जैसे आपने देखा, ग्रेविटी हमेशा पानी को ऊपर से नीचे की तरफ बहने में मजबूर करता है, पर आज हम देखेंगे कैसे पानी ऊपर की तरफ भी जा सकता है। में जे जी लाइडेनफ्रॉस्ट ने पानी का एक आश्चर्य बिहेवियर देखा। पानी जब कोई बहुत ही गर्म सरफेस पे गिरता है तो वो वेपराइज होने के बदले वही सरफेस पे मंडराते रहता है। पानी का इस फेनोमेना को लाइडेनफ्रॉस्ट इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। आज हम इस इफेक्ट को यूज करके पानी को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। पहले इस फेनोमेना को देखते हैं। हमने लिया है एक इंडक्शन कुकटॉप और एक फ्राइंग पैन। आप कोई भी कुकिंग यूटेंसिल यूज कर सकते हैं, गैस बर्नर या स्टोव के साथ। हम टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ने देंगे और पानी का एक एक करके ड्रॉप गिरा के देखेंगे। टेम्परेचर जब पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्रॉस करेगा तब पानी वेपराइज होना शुरू करेगा। अगर हम इससे भी ज्यादा बर्तन को गर्म करते हैं, लगभग 220 डिग्री सेल्सियस तक, तब देखिए क्या होता है। बीच में टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण हम लाइडेनफ्रॉस्ट इफेक्ट देख सकते हैं, पर साइड में कंपैरेटिवली टेम्परेचर कम है, इसीलिए वो साइड में जाके वेपराइज हो रहा है। था ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग? ये इफेक्ट हमने देखा क्योंकि प्लेट का टेम्परेचर जब पानी के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक गर्म हो जाता है तब पानी के बूंद का नीचे वाला हिस्सा प्लेट के संस्पर्श में आके तुरंत ही वेपराइज हो जाता है। वो वाटर वेपर एक इंसुलेटिंग लेयर जैसे काम करता है और बूंद के ऊपर वाले हिस्से को वेपराइज होने नहीं देता है। लिक्विड नाइट्रोजन का तापमान बहुत कम होता है, लगभग -196 डिग्री सेल्सियस, और इसीलिए साधारण तापमान में रखे गए कोई सतह के संस्पर्श में आके ही वो वाष्पित हो जाता है और लाइडेनफ्रॉस्ट इफेक्ट दिखाता है। पानी तो इधर रैंडमली घूम रहा है, ऊपर कैसे जाएगा? इसके लिए हम बर्तन के बजाय एक स्मार्टली डिजाइन्ड सरफेस यूज करेंगे। ये है एक स्पेशली डिजाइन्ड सरफेस जिसमें फाइन ग्रूव्स किया हुआ है। इसे आप एक बहुत बड़ा नेल फाइल जैसे सोच सकते हैं। ये है एक हॉट प्लेट जिसके सहायता से हम इस फाइल को पानी के लाइडेनफ्रॉस्ट पॉइंट तक गर्म करेंगे। अभी इस फाइल को हम एक एल्यूमिनियम प्लेट के ऊपर रखेंगे ताकि वो एक एंगल में रहे और हम पानी के नीचे से ऊपर जाने की मोशन देख पाए। तो आप सबने देखा कैसे पानी ऊपर की तरफ चलने लगा। ये पॉसिबल हुआ सरफेस का इस फाइनली ग्रूव्ड डिजाइन के कारण। टेम्परेचर जब लाइडेनफ्रॉस्ट पॉइंट से ऊपर चला जाता है तब पानी की बूंद के नीचे की वेपर में एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है इस ग्रूव के कारण, जिससे पानी ऊपर चढ़ने लगता है। एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया, पानी का लाइडेनफ्रॉस्ट पॉइंट है 220 डिग्री सेल्सियस, पर हम इस इफेक्ट को बहुत ही कम, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस में देख सकते हैं अगर हम इस बर्तन की सरफेस को एक हाइड्रोफोबिक केमिकल से कोट कर दें। क्या आप एक और फेनोमेना के बारे में हमें बता सकते हैं जो हम नेचर में देख सकते हैं, जहां पानी ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर चढ़ता है? हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।